लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम सारी बड़ी खबरें। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी नरेश कटियार ने अपने हजारों समर्थकों के साथ कस्बा राजपुर व सिकंदरा में इतिहास रचने का काम करने जा रहे हैं। बता दें कि जनसंपर्क कर भारी जनसैलाब के साथ जुलूस निकाला है। जुलूस में पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नरेश कटियार जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। नरेश कटियार, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए गए हैं। जनसैलाब को देखकर विधानसभा क्षेत्र का मतदाता कांग्रेस प्रत्याशी नरेश कटियार के समर्थन में खुलकर झुकते नजर आ रहे थे। प्रत्याशी नरेश कटियार ने कहा कि मेरा चुनाव भाजपा सपा बसपा से अच्छा है, मैं चुनाव अवश्य जीतूंगा। उन्होंने कहा कि जनता ने मुझे चुनाव जिताया तो मैं सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के गांव कस्बों को चमका दूंगा और भारी पैमाने पर विकास करूंगा। उन्होंने कहा कि सिकंदरा की जनता ने तय कर लिया है कि बाहरी प्रत्याशी को भगाना होगा, क्षेत्रीय को लाना होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नरेश कटियार को प्रत्येक जाति समुदाय वर्ग में भारी समर्थन मिल रहा है, जिसमें सपा बसपा भाजपा प्रत्याशी बौखला गए, तो वहीं पर क्षेत्रीय नागरिक मतदाताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी क्षेत्रीय सरल स्वभाव के हैं, इसलिए विधायक ऐसा होना चाहिए कि अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जनता मतदाताओं के खुलकर नरेश कटियार के साथ लगने से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित दिख रही है। नरेश कटियार के बढ़ते कारवा को देख शुद्ध बुद्ध खो बैठे विपक्ष, इसलिए स्वयं मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष समेत कई अन्य बीजेपी के बड़े दिग्गजों को आना पड़ा होगा। विधानसभा सिकंदरा 207 की धरती पर नरेश कटियार गांधी बांधी सोच कर दरिया दिल दिखाते हुए अपने ही हेलीपैड पर उतरने दिया, जहां पर बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता के हेलीकॉप्टर को अब देखना यह होगा कि 20 तारीख मतदान के बाद तय होगा कि किसका भाग्योदय होगा, ये तो समय तय करेगा। इंडिया आज तक टीवी लाइव के लिए अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट।